हाय, माय नेम इज रति और आप मुझे देख रहे हैं आनंद रति नर्सिंग एकेडमी पर। सो आज का हमारा टॉपिक है फ्रैक्चर। फ्रैक्चर जो टॉपिक है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है एंड एम्स में 2010 में क्वेश्चन पूछा गया है गाइस। सो ये क्वेश्चन मैं यहाँ पर आपके लिए दे रही हूँ। आप लोगों को कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। सो क्वेश्चन है कॉलेज फ्रैक्चर इज अ फ्रैक्चर ऑफ दी। सो ऑप्शन है आपके पास डिस्टल एंड ऑफ अल्ना, जो अल्ना बोल होती है उसका डिस्टल एंड, या फिर बी है प्रॉक्सिमल एंड ऑफ रेडियस, जो रेडियस बोन है उसका प्रॉक्सिमल एंड, या फिर ऑप्शन सी है आपके पास डिस्टल एंड ऑफ रेडियस एंड ऑप्शन डी है शाफ्ट ऑफ ह्यूमरस। सो इन चारों में से जो राइट ऑप्शन है वो आपको नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करना है गाइस और बताना है कि इसका राइट ऑप्शन क्या है। एंड इस क्वेश्चन का आंसर इस टॉपिक के अंदर है गाइस, क्योंकि ये जो फ्रैक्चर है वो एनाटॉमिकल लोकेशन के ऊपर बेस्ड है। जो फ्रैक्चर्स होते हैं उनको हम दो कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करते हैं। फर्स्ट है अपीयरेंस के बेस पर और दूसरा है एनाटॉमिकल लोकेशन के बेस पर। सो ये क्वेश्चन जो है एनाटॉमिकल लोकेशन के ऊपर बेस है एंड इस टॉपिक के अंदर हम सारे ही जो फ्रैक्चर्स होते हैं डिफरेंट टाइप के जो फ्रैक्चर हैं उन सभी को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक फ्रैक्चर। फ्रैक्चर वो कंडीशन होती है जब यहाँ किसी बोन की जो कंटिन्यूटी है उसके अंदर डिसरप्शन पैदा हो जाती है, मीन्स उसके अंदर व्यवधान हो रहा है, जो बोन है वो ब्रेक हो रही है किसी भी डायरेक्ट फोर्स की वजह से। सो ये कंडीशन कहलाती है फ्रैक्चर। सो यहाँ पर इटियोलॉजी की अगर हम बात करें कि फ्रैक्चर जो है वो किन किन रीजंस की वजह से हो सकता है। सो फर्स्ट रीजन जो है वो मैकेनिकल फोर्स या फिर डायरेक्ट फोर्स भी इसको हम कह सकते हैं। अगर किसी बोन के ऊपर डायरेक्टली कोई फोर्स लगता है एंड यहाँ पर ये चीज डिपेंड करेगी कि जो बोन है वो किस टाइप की बोन है। सपोज कोई बिल्कुल ही थिन बोन है तो उसके लिए एकदम बहुत माइन्यूट सा जो प्रेशर है वो भी बहुत ज्यादा होगा, तो उसकी वजह से भी जो बोन है वो फ्रैक्चर हो सकती है। या फिर कुछ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स होते हैं, लाइक आपने देखा होगा कि ऑस्टियोपोरोसिस की जो कंडीशन है उसके अंदर बोन अपने आप ही वीक होती है, तो ऐसी बोन के ऊपर जब कोई भी थोड़ी सी भी स्ट्रेस पड़ता है तो ये बोन इजीली फ्रैक्चर हो सकती है। तो सेकंड जो रीजन है वो यहाँ पर ये है कि कोई भी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर जिसकी वजह से बोन ऑलरेडी वीक हो गई है और अगर उनके ऊपर थोड़ा सा भी स्ट्रेस होता है तो ये बोन इजीली क्रैक हो जाती है, फ्रैक्चर हो जाता है इन बोन के अंदर, तो ये सेकंड रीजन है। या फिर कुछ बायोलॉजिकल कंडीशंस हैं, ऑस्टियोपनिया की कंडीशन, यहाँ पर अगर कोई स्टेरॉइड्स का यूज करता है या फिर कशिंग सिंड्रोम की वजह से भी ऑस्टियोपनिया की जो कंडीशन है वो डेवलप होती है, तो फिर यहाँ पर ये रीजन बनता है कि जो बोन्स हैं वो वीक हो जाती हैं और उसी की वजह से इस टाइप की जो बोन्स हैं उनके अंदर इजीली फ्रैक्चर डेवलप हो जाता है। या फिर जो ऑस्टियोजेनेसिस का प्रोसेस होता है उसके अंदर अगर कोई इम्परफेक्शन है, ये जो प्रोसेस है बोन फॉर्मेशन का वो अगर ठीक नहीं है तो उसकी वजह से भी जो बोन की स्ट्रेंथ है एंड कंपोजिशन जो होता है बोन का वो वीक रह जाता है, तो इस टाइप के जो बोन्स होते हैं उनमें फ्रैक्चर इजीली डेवलप हो जाता है। एंड कुछ नियोप्लाज्म की कंडीशन, मींस कैंसर्स की जो कंडीशन होती है उनकी वजह से भी जो बोन है वो वीक हो जाते हैं, तो अगेन यहाँ पर फिर जो फ्रैक्चर के चांसेस हैं वो ज्यादा बढ़ जाते हैं। एंड पोस्ट मेनोपॉज़ल जो एस्ट्रोजन का लॉस होता है उसकी वजह से भी जो बोन है वो वीक हो जाते हैं, तो यहाँ पर ये कुछ सर्टेन रीजंस हैं जिनकी वजह से बोन की जो स्ट्रेंथ है वो कम हो जाती है, तो उस पे अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगता है तो उसकी वजह से जो बोन की कंटिन्यूटी है वो ब्रेक होती है, तो यहाँ पर ये रीजंस हैं जिनकी वजह से फ्रैक्चर्स हो सकता है। फ्रैक्चर के पैथोफिजियोलॉजी की अगर हम बात करते हैं गाइस, तो फ्रैक्चर में क्या होगा कि जब भी कोई फ्रैक्चर होता है तो यहाँ पर जो मसल्स
अटैच होती हैं बोन के साथ में, वो भी अपनी जगह से डिस्टर्ब होती हैं एंड इनके अंदर जो स्पाज्म है वो होना शुरू होता है। तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो बोन इनके साथ में अटैच हुई है वो अपनी जगह से डिसप्लेस हो जाएगी। और मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ पर जो डिस्टल पोर्शन होता है, जहाँ पर फ्रैक्चर हुआ है उससे जो डिस्टल पोर्शन है बोन का वो ज़्यादा डिस्प्लेस होता है, हमेशा जो प्रॉक्सिमल पोर्शन है वो डिस्प्लेस नहीं होता है, लेकिन जो डिस्टल पोर्शन है उसके अंदर डिस्प्लेसमेंट देखी जाती है जब भी फ्रैक्चर होता है। एंड इसके साथ में और भी जो पेरियोस्टियम है एंड ब्लड वेसल्स जो होती हैं कॉर्टेक्स के अंदर, या फिर जो मैरो पोर्शन होता है फ्रैक्चर बोन का, उसके अंदर भी डिसरप्शन हमें देखने को मिलती है एंड जो सॉफ्ट टिश्यू है वो डैमेज हो जाते हैं। उसके बाद क्या होगा कि जो ब्लीडिंग है वो भी यहाँ पे हमें देखने को मिलती है एंड जो मेडुलरी कैनाल होती है, आप बोन को अच्छे से स्टडी करेंगे तो आपको ये सारी जो टर्मिनोलॉजी यहाँ पे मैं यूज कर रही हूँ इनका जो एक आइडिया है वो मिल जाएगा। तो आप एक बार जरूर बोन को अच्छे से स्टडी कीजिए ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो कि जो पेरियोस्टियम है वो कौन सा पोर्शन है या फिर मेडुलरी कैनाल जो है वो कौन सा पोर्शन है। फिलहाल यहाँ पर हम बात कर रहे हैं फ्रैक्चर की, तो उस टॉपिक से हम हटेंगे नहीं, लेकिन ये जितने भी टर्म है वो रिलेट करते हैं बोन के साथ में, तो आप इनको एक बार जरूर से जरूर चेक कीजिए गाइज। एंड मैंने यहाँ पे कहा कि जो मेडुलरी कैनाल है उसके अंदर जो हेमाटोमा है वो फॉर्म हो जाएगा, मीन्स यहाँ पर जो ब्लीडिंग है वो एक्सेस में कलेक्ट हो जाएगी एंड इसी को हेमाटोमा कहा जाता है। और साथ में जो फ्रैक्चर बोन है उस साइड पर क्या होगा कि जो इंफ्लामेटरी रेस्पॉन्स है वो बहुत ही ज्यादा यहाँ पर डेवलप होने लगेगा, उसके साथ में जो वेसल्स हैं वो डायलेट हो जाएंगी, मीन्स वैसोडायलेशन की कंडीशन हमें यहाँ देखने को मिलेगी और उसकी वजह से एडिमा, पेन, लॉस ऑफ फंक्शन। तो जब भी फ्रैक्चर की कंडीशन डेवलप होती है तो इस तरीके का जो रेस्पॉन्स है वो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। फ्रैक्चर के क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें तो इसकी जो ग्रेड है वो तीन ग्रेड इसको दिए गए हैं। तो फर्स्ट जो ग्रेड है उसके अंदर जो वुंड है अगर वो 1 सेंटीमीटर से कम एरिया है उस वुंड का तो ये जो ग्रेड कहलाता है वो ग्रेड 1 कहलाता है। और यहाँ पर जो कंटामिनेशन का जो पोर्शन है वो बहुत ही कम है, मिनिमल है, इसीलिए इसको ग्रेड 1 फ्रैक्चर कहा जाता है। एंड अगर ये ग्रेड 2 का फ्रैक्चर है गाइस तो यहाँ पर जो वुंड का एरिया है वो 1 सेंटीमीटर से ज्यादा होगा एंड कंटामिनेशन जो है वो मॉडरेट टाइप का कंटामिनेशन यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा। सो ये सेकेंड ग्रेड का फ्रैक्चर कहलाता है। एंड जो थर्ड ग्रेड है उसमें जो वुंड का एरिया है वो 6 से लेकर 8 सेंटीमीटर का एरिया होता है। तो यहाँ पर जो डैमेज है वो बहुत सारा डैमेज हमें देखने को मिलता है, यहाँ सॉफ्ट टिश्यू डैमेज होंगे, नर्व एंड टेंडन्स एंड जो कंटामिनेशन है वो बहुत ही हाई डिग्री का कंटामिनेशन हमें यहाँ देखने को मिलेगा। सो ये ग्रेड 3 फ्रैक्चर का क्लासिफिकेशन है। तो इस तरीके से हम फ्रैक्चर को क्लासिफाई भी कर सकते हैं, उसकी जो इंजरी है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि ये किस ग्रेड का फ्रैक्चर है। सो डिफरेंट टाइप के यहाँ पर जो फ्रैक्चर्स होते हैं उनके पैटर्न हमें देखने को मिलते हैं। सो सबसे पहले देखिए कि बर्स्ट जो पैटर्न है उसमें हमें किस टाइप का बोन का फ्रैक्चर है वो देखने को मिलता है। तो बर्स्ट में क्या होता है कि जैसे आप नाम से इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि बर्स्ट हो रही है, तो यहाँ पर जो बोन है वो बर्स्ट होगी। तो जब कोई बोन बर्स्ट हो रही है तो नॉर्मली वो जो बोन है वो कई पीसेस के अंदर ब्रेक होगी। बस्ट वाली जो फ्रैक्चर है उसके अंदर जो बोन है वो कई पीसेस के अंदर ब्रेक होती है। एंड ये जो फ्रैक्चर है वो मोस्टली हमें देखने को मिलता है जो बोन का एंड एरिया होता है उसके अंदर जो बस्ट फ्रैक्चर्स होते हैं वो ज्यादा देखने को मिलते हैं। और अगर किसी एक पर्टिकुलर बोन की हम बात करते हैं तो वर्टिब्रा की जो बोन होती है उसके अंदर हमें बर्स टाइप के जो फ्रैक्चर्स होते हैं वो ज्यादा देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट जो फ्रैक्चर है वो है कम्युनिटेड फ्रैक्चर।
ये जो फ्रैक्चर है इसमें क्या होगा कि यहाँ पर जो फ्रैक्चर लाइन है वो एक से ज्यादा फ्रैक्चर लाइन होगी एंड बोन जो है वो यहाँ पर बहुत सारे फ्रैगमेंट्स के अंदर टूटती है। तो यहाँ पर ये फीचर हमें देखने को मिलता है अगर ये कॉम्बिनेटेड फ्रैक्चर होगा गाइस। जैसा कि आप इस पिक्चर में इजीली इसको अच्छे से समझ पाएंगे कि यहाँ पर देखिए कि ये जो बोन ब्रेक हुई है इसके बहुत सारे जो पीसेस हैं वो हो गए हैं, तो ये जो फ्रैक्चर है वो कम्युनिटेड फ्रैक्चर कहलाता है। आई होप कि इस इमेज की हेल्प से आपको समझने में आसानी होगी कि जो फ्रैक्चर्स हैं वो किस किस टाइप के होते हैं। आप इजीली इनको आइडेंटिफाई कर पाओगे अगर आप पिक्चर पे ज्यादा ध्यान दोगे गाइज। सो नेक्स्ट जो फ्रैक्चर है वो है कंप्लीट टाइप का फ्रैक्चर। अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि कंप्लीट फ्रैक्चर है, तो जब भी कंप्लीट फ्रैक्चर होगा तो बोन जो है एक कॉर्नर से जो दूसरा कॉर्नर है उससे कंप्लीटली वो ब्रेक होती है। इनके अंदर कोई भी जो एक क्लोजिंग पॉइंट होता है वो यहाँ पर नहीं होगा। बोन अगर फ्रैक्चर हो रही है, कंप्लीट फ्रैक्चर है, तो फिर उस कंडीशन में जो सेगमेंट बनेंगे वो बिल्कुल ही अलग अलग होंगे, दोनों के अंदर कोई कनेक्शन नहीं होता है जब कंप्लीट फ्रैक्चर होता है। एंड कंप्लीट फ्रैक्चर को अगर हम सब डिवाइड करना चाहें तो यहाँ पे आपने देखा होगा कि ऑब्लिक फ्रैक्चर है एंड ट्रांसवर्स फ्रैक्चर है। ये दोनों ही जो फ्रैक्चर हैं वो कंप्लीट टाइप के फ्रैक्चर होते हैं। जब आप देखेंगे कि जो बोन है वो एक सिरे से दूसरे सिरे तक कंप्लीटली ब्रेक हो रही है, कोई जॉइनिंग नहीं है इन दोनों के बीच में, तो ये जो टाइप होता है वो कंप्लीट फ्रैक्चर कहलाता है। आप इस पिक्चर के थ्रू इजीली इसको समझ सकते हैं, या फिर डिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर भी हमें देखने को मिल सकते हैं। डिस्प्लेस्ड मीन्स यहाँ पर अगर इसको आप वर्ड के थ्रू इसका मीनिंग निकालना चाहें तो मीन्स डिस्प्लेस हो रही है बोन आफ्टर फ्रैक्चर। तो इस पिक्चर में देखिए आप कि ये जो बोन है वो फ्रैक्चर हो गई है और ये जो अपनी इसकी पोजीशनिंग नॉर्मल जो पोजीशनिंग थी उससे ये थोड़ा सा हट गई है, तो इस टाइप का जो फ्रैक्चर है वो डिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर कहलाता है। नेक्स्ट जो फ्रैक्चर है वो है इनकम्प्लीट फ्रैक्चर। अब जैसा कि नाम से ही हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि मीन्स फ्रैक्चर की जो प्रोसेस था वो स्टार्ट तो हुआ है लेकिन वो कंप्लीट नहीं हुआ है, और ये फ्रैक्चर कहलाता है इनकम्प्लीट टाइप का फ्रैक्चर। मीन्स कि यहाँ पर जो बोन्स हैं वो एक दूसरे से डिस्कनेक्ट नहीं हुई है, सिर्फ एक जो फ्रैक्चर लाइन है वो यहाँ पर डेवलप हो जाती है। एंड इसमें आप देख पा रहे हैं कि जो फ्रैक्चर लाइन है वो बोन के एक सिरे से स्टार्ट होकर दूसरे सिरे तक नहीं पहुंच रही है। सो ये जो फ्रैक्चर है वो इनकम्प्लीट टाइप के फ्रैक्चर कहलाते हैं, या फिर लीनियर टाइप के फ्रैक्चर भी हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। अब लीनियर फ्रैक्चर में क्या होता है कि जो फ्रैक्चर लाइन जहां पर डेवलप हुई है वहां पर जो बोन है वो बिल्कुल भी ब्रेक नहीं हो रही, इनके अंदर एक क्लियर जो कट है वो हमें देखने को मिलता है। सो जो फ्रैक्चर की लाइन है वो इंटैक्ट रहती है, बोन वहां से बिल्कुल भी ब्रेक नहीं होती है, तो ये जो फ्रैक्चर कहलाता है वो लीनियर फ्रैक्चर कहलाता है। एंड इस टाइप के जो फ्रैक्चर होते हैं वो कोई भी मॉडरेट फोर्स लगता है बोन के ऊपर डायरेक्टली, तब ये जो फ्रैक्चर है वो डेवलप होते हैं। नेक्स्ट आप देखिए लॉन्गिट्यूडनल फ्रैक्चर्स। ये जो फ्रैक्चर्स हैं से लॉन्गिट्यूडनल लाइंस जो होती हैं उसी के बेसिस के ऊपर इस फ्रैक्चर का नाम रखा गया है कि यहाँ पर जो फ्रैक्चर लाइन डेवलप होगी वो बोन की जो डायरेक्शन है उसी के अंदर ये फ्रैक्चर लाइन डेवलप होती है। सो ये जो फ्रैक्चर कहलाते हैं वो लॉन्गिट्यूडनल फ्रैक्चर कहलाते हैं। नेक्स्ट जो कैटेगरी है वो है नॉन डिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर्स। नॉन डिस्प्लेस्ड मीन्स जो बोन फ्रैक्चर्ड हुई है वो अपनी ही जो फ्रैक्चर साइट है उसी के आसपास रहती हैं, उससे डिस्प्लेस नहीं होती हैं, तो ये जो टाइप है वो नॉन डिस्प्लेस्ड टाइप का फ्रैक्चर कहलाता है, जैसा कि आप इस पिक्चर में इजीली देख पा रहे होंगे।
या फिर जो फ्रैक्चर हैं वो हमें ऑब्लिक टाइप के फ्रैक्चर भी देखने को मिल सकते हैं। ऑब्लिक क्या होता है, मीन्स कोई भी एक आड़ी लाइन, जो बोन है वो तिरछी डिवाइड होगी, इसमें जो एंगल यहाँ पर बनता है वो 45 डिग्री का एंगल होगा। जब भी बोन ब्रेक होती है तो 45 डिग्री के एंगल पर ही ब्रेक होगी इस टाइप के फ्रैक्चर के अंदर, तो ये जो फ्रैक्चर है वो ऑब्लिक फ्रैक्चर कहलाता है और हिंदी में हम इसको बोलेंगे तिरछा। इसके अंदर जो फ्रैक्चर है वो बोन के अंदर डेवलप होगा, तो इसको आप बहुत ही इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये बहुत ही कॉमन टाइप का फ्रैक्चर है, इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि नाम से आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ऑब्लिक, ऑब्लिक यानी तिरछा। या फिर स्पाइरल फ्रैक्चर भी हमें देखने को मिल सकते हैं। स्पाइरल जो फ्रैक्चर होते हैं वो हमें कब देखने को मिलते हैं, जब बोन है वो ट्विस्ट हो जाती है किसी रीजन की वजह से, तो फिर उस ट्विस्टिंग की वजह से जो बोन है वो फ्रैक्चर हो रही है और एक स्पाइरल जो फ्रैक्चर है उसको फॉर्म कर रही है, तो ये जो फ्रैक्चर कहलाते हैं वो स्पाइरल फ्रैक्चर कहलाते हैं। नेक्स्ट है स्टीलेट फ्रैक्चर। स्टीलेट फ्रैक्चर में क्या होगा कि जब भी कोई फ्रैक्चर होता है तो जो एक मेन सेंटर पॉइंट होगा इसमें फ्रैक्चर का, और फिर वहां से बहुत सारे जो पॉइंट्स हैं वो डेवलप होते हैं, तो ये जो टाइप है वो स्टीलेट फ्रैक्चर कहलाता है। तो इसको आइडेंटिफाई करना बहुत ही इजी है कि कोई एक मेन सेंटर पॉइंट है, फिर वहां से जो बारीक बारीक लाइंस हैं वो डेवलप होती हुई हमें दिखाई देती हैं, तो बोन इस तरीके से यहाँ पर ब्रेक होती है, तो ये जो फ्रैक्चर है वो स्टीलेट फ्रैक्चर कहलाता है। नेक्स्ट है ट्रांसवर्स फ्रैक्चर। ट्रांसवर्स फ्रैक्चर भी बहुत ही सिंपल टाइप का फ्रैक्चर है और कॉमन है, इसको याद रखने में आपको कोई भी डिफिकल्टी नहीं होगी। ट्रांसवर्स मीन्स आड़ा, कोई भी एक आड़ी लाइन जब हम खींच देते हैं तो वो कितने डिग्री पर हम खींचेंगे, 90 डिग्री पर अगर ये जो बोन्स हैं वो एक दूसरे से ब्रेक हो रही हैं, तो ये जो फ्रैक्चर है वो ट्रांसवर्स फ्रैक्चर कहलाता है, कि यहाँ पर जो बोन है वो बिल्कुल जो लाइन है इन दोनों के बीच के अंदर वो 90 डिग्री के एंगल पर क्रॉस होंगी और ये बोन एक दूसरे से अलग हो जाएंगी, तो ये जो फ्रैक्चर है वो ट्रांसवर्स टाइप का फ्रैक्चर कहलाता है। एंड इससे पहले हमने जो ऑब्लिक फ्रैक्चर डिस्कस किया था उसमें देखा था आपने कि वो तिरछा, उसके अंदर जो बोन थी वो ब्रेक हो रही थी एंड वहां पर 45 डिग्री का जो एंगल था वो फॉर्म होता है, एंड यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल डेवलप होगा तभी जो बोन्स हैं वो एक दूसरे से अलग हो रहे हैं, तो ये जो फ्रैक्चर है वो ट्रांसवर्स फ्रैक्चर कहलाता है। नेक्स्ट जो फ्रैक्चर है वो है एवल्शन फ्रैक्चर। तो ये जो फ्रैक्चर होता है उसमें क्या होगा कि जब भी कोई बोन है वो साथ में लिगामेंट्स या फिर टेंडन्स के साथ में भी अटैच रहती है, तो यहाँ पर जब भी फ्रैक्चर डेवलप होता है तो जो बोन फ्रैक्चर्ड हो रही हैं वो डिस्प्लेस हो जाएंगी टेंडन या फिर लिगामेंट्स की तरफ, तो ये जो फ्रैक्चर का टाइप है वो एवल्शन फ्रैक्चर कहलाता है। नेक्स्ट जो टाइप है वो है कंप्रेशन फ्रैक्चर। अब नाम से यहाँ पर आप इसको थोड़ा सा आइडेंटिफाई करने की कोशिश कीजिए कि कंप्रेस हो रही है यहाँ पर बोन, एंड बोन जब कंप्रेस हो रही है तो मीन्स यहाँ पर जो फोर्स है वो लॉन्गिट्यूडनल जो एक्सिस है हमारी उससे बोन के ऊपर फोर्स लग रहा है, तो जब इस टाइप का फोर्स लगता है तो जो बोन है वो ब्रेक होती है। सपोज अगर इस कंडीशन के अंदर तो जो ब्रेक एरिया होता है फ्रैक्चर का वहां पर बारीक बारीक सी लाइन आपको देखने को मिलेगी और इजीली आप इसको एक समझ पाएंगे कि यहाँ पर प्रेशर की वजह से ये जो फ्रैक्चर है वो डेवलप हुआ है, एंड कुछ इस तरीके की जो फाइंडिंग्स हैं वो हमें कंप्रेशन फ्रैक्चर के अंदर देखने को मिलेंगी, जैसा कि आप इस डायग्राम में इजीली देख पाएंगे। इसके बाद आता है ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। ग्रीन स्टिक मीन्स यहाँ पर जो गीली लकड़ी होती है जो कि ग्रीन कलर की होती है, हरे रंग की होती है, तो ये जो फ्रैक्चर है वो भी कुछ इस टाइप का ही है। अगर हम गीली लकड़ी को तोड़ते हैं गाइस तो क्या होता है कि वो एक साइड से टूट तो जाती है लेकिन बिल्कुल ही वो एक दूसरे से अलग नहीं होती हैं, जो उसके ऊपर की ग्रीन वाली लेयर होती है वो एक दूसरे को कनेक्ट करके रखती हैं।
तो ये जो फ्रैक्चर होगा इसमें भी इसी तरीके की हमें फाइंडिंग देखने को मिलती है कि बोन फ्रैक्चर तो हो रही है एक साइड से, लेकिन इन दोनों के बीच में कनेक्शन बना रहता है। तो ये जो फ्रैक्चर है वो ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर कहलाता है। एंड ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर के बारे में सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये बच्चों के अंदर ज़्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि जो उनकी बोन्स होती हैं वो बहुत ही सॉफ्ट होती हैं, तो वो इजीली फ्रैक्चर तो हो जाती हैं लेकिन वो बिल्कुल डिस्कनेक्ट नहीं होती हैं। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट टाइप है फ्रैक्चर का, और ये पूछा भी जाता है। आपको पता होना चाहिए कि बच्चों में सबसे ज़्यादा कौन से टाइप का फ्रैक्चर होता है। तो ग्रीन स्टिक टाइप का फ्रैक्चर बच्चों में ज़्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि बोन्स वहाँ पर बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती हैं। सो अभी तक हमने जितने भी फ्रैक्चर डिस्कस किए हैं गाइस, ये सारे ही फ्रैक्चर अपीरियंस के बेस पर हैं, और इनमें सबसे लास्ट है इम्पैक्टेड फ्रैक्चर। सो इम्पैक्टेड जो फ्रैक्चर है इसके अंदर क्या होता है कि जब भी कोई बोन टूटती है तो इसका जो एक फ्रैगमेंट है वो दूसरी बोन के अंदर धंस जाता है। तो ये जो टाइप है वो इम्पैक्टेड फ्रैक्चर कहलाता है। एंड यहाँ पर जो एनाटॉमिकल लोकेशन होती है उसके बेस पर भी जो फ्रैक्चर हैं उनको डिवाइड किया गया है। सो फर्स्ट है इसके अंदर कूलीज फ्रैक्चर। सो कूलीज फ्रैक्चर में क्या होगा गाइज कि जो भी रेडियस का डिस्टल पोर्शन होता है वहां पर फ्रैक्चर होगा, एंड ये जो फ्रैक्चर हो रहा है फिर उसके अंदर जो बोन है वो डिस्प्लेस हो जाती है। तो ये जो टाइप है वो कूलीज फ्रैक्चर कहलाता है। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि कूलीज फ्रैक्चर के अंदर जो बोन फ्रैक्चर हो रही है वो रेडियस है और उसका डिस्टल पोर्शन यहाँ पर फ्रैक्चर होगा। तो ये जो टाइप है वो कूलीज फ्रैक्चर का टाइप है, और ये एनाटॉमिकल जो लोकेशन होती है उसके बेस पर इस फ्रैक्चर को कैटेगराइज किया गया है। या फिर यहाँ पर जो सेकंड टाइप है वो है पोर्ट्स फ्रैक्चर। पोर्ट्स फ्रैक्चर के अंदर जो बोन इन्वॉल्व हो रही है वो है फिबुला, टीबिया एंड फिबुला जो दो बोन्स हैं, तो यहाँ पर फिबुला के अंदर फ्रैक्चर होगा। एंड ये जो फ्रैक्चर है इसके अंदर भी जो एरिया है वो डिस्टल पोर्शन ही होगा इस बोन का। सो आपको याद रखना है कि पोर्ट्स जो फ्रैक्चर है वो फिबुला बोन से कनेक्टेड है, और इसके डिस्टल पोर्शन के अंदर फ्रैक्चर जब होता है तो इसको पोर्ट्स फ्रैक्चर के नाम से हम जानते हैं। एंड जब भी ये फ्रैक्चर होता है तो यहाँ पर जो टीबियो फिबुलर जॉइंट्स जो है गाइस उसके अंदर हमें डिसरप्शन देखने को मिलता है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट दो फ्रैक्चर हैं, कुलीज फ्रैक्चर एंड पोर्ट्स फ्रैक्चर, क्योंकि ये जो फ्रैक्चर है वो एनाटोमिकल लोकेशन के ऊपर बेस्ड है। तो आपको ये याद रखना है, काफी इम्पॉर्टेंट है कुलीज फ्रैक्चर एंड पोर्ट्स फ्रैक्चर। सो जब भी फ्रैक्चर होगा तो यहाँ पे हमें किस तरीके के साइन एंड सिम्टम देखने को मिलेंगे। सो फर्स्ट जो साइन है वो डिफॉर्मिटी के रूप में हम यहाँ पर असेस कर सकते हैं। सो डिफॉर्मिटी यहाँ पर बहुत डिफरेंट टाइप से हमें देखने को मिल सकती है, लाइक जो हेमरेज है उसकी वजह से जो फ्रैक्चर साइट है वहाँ पर स्वेलिंग देखने को मिल सकती है, एंड मसल्स के अंदर स्पाज्म हो रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा, जिस भी लिम्ब में ये स्पाज्म हुआ है, जो फ्रैक्चर हुआ है, उसकी वजह से जो लिम्ब की लेंथ है वो भी शॉर्ट हो सकती है, एंड कुछ रोटेशनल डिफॉर्मिटी हो सकती है या फिर एंगुलेशन डिफॉर्मिटी हो सकती है। लाइक अगर शोल्डर जॉइंट के अंदर फ्रैक्चर हुआ है तो इसको रोटेट करने में हमें यहाँ पर दिक्कत होगी। तो इस तरीके की डिफॉर्मिटी फ्रैक्चर के जो कंडीशन होती है उसमें हमें देखने को मिल सकती है। या फिर जो कर्व्स होते हैं बॉडी के, उनके अंदर भी हमें चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। अगर कोई लाइक शोल्डर हमारा जॉइंट है उसके अंदर डिफॉर्मिटी हुई है तो इसका जो कर्वी एरिया है यहाँ पे हमें चेंजेस देखने को मिल सकता है। तो इस तरीके से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये जो कंडीशन है वो फ्रैक्चर की कंडीशन है, या फिर यहाँ पे स्वेलिंग हमें देखने को मिलेगी। जो सेकंड साइन है वो स्वेलिंग के रूप में हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है। एंड ये जो स्वेलिंग हो रही है वो इस रीजन की वजह से होगी कि जो भी सीरस फ्लूड है वो फ्रैक्चर साइट के ऊपर कलेक्ट हो जाएगा एंड एक्सट्रावासेशन हो जाएगा ब्लड का सराउंडिंग टिश्यूज के अंदर। तो उसकी वजह से हमें यहाँ पर जो स्वेलिंग है वो ज़्यादा देखने को मिलेगी। सो सिंपल लैंग्वेज में अगर हम कहें तो यहाँ पर जो
वेसल्स हैं उनके अंदर जो फ्लूड है वो सराउंडिंग एरिया के अंदर फ्रैक्चर साइट है उसकी सराउंडिंग्स जो एरिया है उसके अंदर एक्यूमुलेट हो जाएगा, उसकी वजह से यहाँ पे हमें स्वेलिंग का साइन देखने को मिलता है या फिर ब्रूजिंग के साइन भी हमें देखने को मिल सकते हैं। जो स्किन है वो यहाँ पर माइनर सी जो स्किन है वो छिल जाती है, तो उसकी वजह से जो ब्लड है वो स्किन के ऊपर हमें थोड़ा थोड़ा सा जो स्पॉट है उसके रूप में दिखाई देता है, तो इसको ब्रूजिंग कहते हैं। तो ये भी हमें फ्रैक्चर की जो कंडीशन होती है उसके अंदर देखने को मिल सकता है। एंड जैसे मैंने कहा कि मसल्स के अंदर स्पाज होगा, जो भी बोन फ्रैक्चर हुई है और उससे जो मसल अटैच है उनके अंदर स्पाज्म भी हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। एंड पेन का साइन भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, और पेन का जो साइन है वो डिपेंड करता है कि इसके ऊपर की किस टाइप का ये फ्रैक्चर है, और जो कैंडिडेट है उसके ऊपर भी ये डिपेंड करता है कि पेन की जो इंटेंसिटी है वो कितनी होगी। एंड जो पेन है वो ज़्यादा सीवियर होगा जब तक इस फ्रैक्चर को इमोबिलाइज नहीं किया जाता, तब तक ये जो पेन है वो सीवियर टाइप का पेन यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। एंड ये जो पेन है वो कंटिन्यूस टाइप का पेन होगा जब तक कि जो फ्रैक्चर्ड बोन है उसको इमोबिलाइज नहीं किया जाता गाइस। तो यहाँ पर ये जो पेन है वो कंटिन्यूस होगा और जो सीवियरिटी है इसकी वो इंक्रीज होती रहती है, तो जब तक इसको इमोबिलाइज नहीं किया जाता। तो यहाँ पर ये आपको ध्यान रखना है कि जो फ्रैक्चर हो रहा है उसमें अगर पेन का हमें साइन देखने को मिल रहा है तो ये पेन किस तरीके का होगा। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ध्यान होना चाहिए कि पेन यहाँ पर कंटिन्यूस पेन होगा और जो इसकी सीवियरिटी है वो इंक्रीज होती जाती है जब तक हम इस फ्रैक्चर साइट को इमोबिलाइज नहीं कर देते हैं। एंड जो भी पोर्शन यहाँ पर अफेक्ट होता है उसका जो फंक्शन है वो लॉस हो सकता है। उसका लॉस होने का रीज़न यहाँ पर पेन हो सकता है कि पेन की वजह से जो इसका फंक्शन है वो नॉर्मल नहीं हो पा रहा है, जो कैंडिडेट है वो अपना जो मूवमेंट है उसको नहीं कर पा रहा है, या फिर जो लेवर आर्म फंक्शन होते हैं वो अफेक्ट हो गए हैं इस फ्रैक्चर की वजह से, या फिर यहाँ पर जो पैरालिसिस है वो भी हो सकता है। अगर कोई नर्व डैमेज हो गई है फ्रैक्चर की वजह से तो फिर हमें यहाँ पर पैरालिसिस की जो कंडीशन है वो भी देखने को मिल सकती है फ्रैक्चर की कंडीशन के अंदर, या फिर इन बोन्स के अंदर हमें एबनॉर्मल क्रीपिटस का जो साइन है वो भी देखने को मिल सकता है। क्रीपिटस मीन्स होता है कि जो बोन्स हैं जिनके दो फ्रेगमेंट्स हैं वो आपस में रब हो रहे हैं, रगड़ खा रहे हैं, उनकी वजह से एक ग्रेटिंग सेंसेशन या फिर जो साउंड है वो प्रोड्यूस हो रहा है, सो इसको कहा जाता है क्रीपिटस। सो यहाँ पे हमें ये जो साइन है वो भी देखने को मिल सकता है। बहुत इम्पॉर्टेंट टर्म है क्रीपिटस, मीन्स कि जो भी दो फ्रैगमेंट फ्रैक्चर हुए हैं उनके बीच में एक साउंड प्रोड्यूस हो रही है, इसको क्रीपिटस कहा जाता है। तो याद रखिए गाइस कि जो फ्रैक्चर की कंडीशन है उसके अंदर हमें अबनॉर्मल क्रीपिटस का जो साउंड है वो देखने को मिलता है, या फिर न्यूरोवैस्कुलर चेंजेस, मीन्स कि यहाँ पर जो नर्व्स हैं उनके अंदर जो डैमेज है वो देखने को मिल सकता है। तो उसकी वजह से जो पेशेंट है वो किस टाइप की आपको कंप्लेन कर सकते हैं, लाइक नंबनेस उन्हें फील हो सकती है या फिर टिंगलिंग सेंसेशन जो होता है वो यहाँ पर कंप्लेन कर सकते हैं कि अगर इस एरिया के अंदर जो पेरिफेरल नर्व्स हैं वो डैमेज हो रही हैं तो फिर इस तरीके की जो कंडीशन है वो भी हमें देखने को मिलेगी। एंड अगर जो फ्रैक्चर है वो बहुत ही सीवियर टाइप का फ्रैक्चर है तो इस वजह से जो कैंडिडेट है वो शॉक में भी जा सकता है। तो कुछ इस तरीके के मेन जो सिम्टम्स होंगे वो हमें फ्रैक्चर की कंडीशन में देखने को मिलते हैं। सो यहाँ पर इस टॉपिक के अंदर हम फिलहाल इतना ही डिस्कस करेंगे गाइस, क्योंकि अगर और भी ज़्यादा डिस्कस करेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी और फिर आप लोगों को समझने के लिए ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। तो नेक्स्ट जो इससे रिलेटेड पॉइंट्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे कि लाइक अगर कोई फ्रैक्चर होता है तो उसका मैनेजमेंट हम किस तरीके से करेंगे, तो मैनेजमेंट को हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। सो ये टॉपिक हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। इससे रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी है, कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं।
एंड वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। टिल देन टेक केयर, कीप स्टडीइंग एंड बाय बाय।